नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अदमान कानगिरी बंगालियों ने दिया जाति बासिंदा प्रमाण पत्र के लिए फैमिली आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए। एंकर मालकानगिरी जिला बंगालियों को जाति एवं बासिंदा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फैमिली आइडेंटिटी कार्ड की मान्यता हटा देने की वजह से मालकानगिरी जिला बंगाली समुदाय की तरफ से ओडिशा की माननीय श्री जुक नवीन पटनायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया है। मालकानगिरी जिला की बंगालियों काफी वर्षों से उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जाति एवं बासिंदा प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील कार्यालय एवं री कार्यालय दौड़ दौड़ कर बहुत असुविधा की सम्मुखीन हुए हैं, लेकिन जाति एवं बासिंदा प्रमाण पत्र तैयार नहीं कर पाए। जिनके पास फैमिली आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन सभी दिक्कतों का समाप्त हो गया है। जिला की बीजू जनता दल के जिला कार्यकारिणी सभापति श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी की प्रचेष्टा से आज मुख्यमंत्री नवीन जी ने उस फैमिली आइडेंटिटी कार्ड की वेलू हटाकर सभी तहसीलदार री एवं रेवेन्यू क्लर्कों को निर्देश दिया है कि बंगाली बहुल मलकानगिरी एवं नवरंगपुर जिला बंगालियों को फैमिली आइडेंटिटी कार्ड दिखाए बगैर जाति एवं बासिंदा प्रमाण पत्र बना दिया जाए। जिला की काफी विद्यार्थियों उच्च शिक्षा से बहुत वंचित हुए हैं, उनके भविष्य अंधकार में भी चले गए, लेकिन आज उनका अंत हुआ है। दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन किया है मतुआ संप्रदाय की श्री सुधांशु उर्फ भोला विश्वास, श्री अशोक हालदार, श्री आशारंजन मौली, श्री पतित पावन वैद्य, श्री हरिचांद सरकार, श्री दुलाल मंडल, श्री मृत्युंजय हालदार के साथ बहुतों की प्रचेष्टा से यह संभव हुआ है। तकरीबन 12 सालों के अपेक्षा के अंत हुआ, इसलिए आज एमवी 7 नंबर गांव एवं जिला वासियों की तरफ से श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। ओडिशा मालकानगिरी जिला एमवी 7 नंबर से ओडिशा हेब गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज। फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल उड़ीसा हेड, इस समय मौजूद है मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक तमसा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एमबी 7 नंबर जगन्नाथपल्ली गांव में। यहां पे आज माननीय मुख्यमंत्री को जो बंगाली संप्रदाय तथा मतुआ संप्रदाय एवं जिला मालकानगिरी के विशिष्ट व्यक्तियों की तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तो कारण यही है कि मालकानगिरी जिला में जो बंगाली तथा जो नवरंगपुर जिला में बंगाली जो लोग रहते हैं बसवास करते हैं उनके बच्चों की जो उच्च शिक्षा तथा स्टाइपेंड सरकारी सहायता के लिए जो वासस्थान प्रमाण पत्र तथा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो फैमिली आइडेंटिटी की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत जो पट्टाधारी जो है सेटलमेंट जो धारी है उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड ना होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज उसका अंत बिल्कुल समाप्त हो गया। क्योंकि बीजू जनता दल के मालकानगिरी जिला कार्यकारिणी सभापति तथा उनके जो सहयोगी जो मतुआ संप्रदाय के कुछ कार्यकर्ता जो उनके कर्म कमलों से आज जो ये संभव हो चुका है, और इसका जो धन्यवाद आज मालकानगिरी के तरफ से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है बीजेडी का जो मालकानगिरी तथा नवरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बहुत ही पुराना कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है सप्तदेव, तो आइए उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे आज किस प्रकार जो ये जो स्वागत संवर्धना तथा धन्यवाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन कर रहे हैं किस लिए। मैं सत्यनारायण देव हूं, मैं नवरंगपुर जिला से बिलोंग करता हूं। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं सबको अवगत करना चाहता हूं। 2012 साल से हमारे ये मांग ओडिशा सरकार के सरकार की ऑफिसर ऑफिस और मुख्यमंत्री के ऑफिस में हम पहुंचा रहे हैं। ये इसको रूपायित करने के लिए 2018 साल में मलकानगिरी जिला से भोलानाथ विश्वास, आशावर रंजन माली, मृत्युंजय मंडल, मृत्युंजय हलदार, नवरंगपुर जिला से नवरंगपुर जिला का उमरकोट से मानस भौमिक, तपन कुमार साना और गण्यमान्य भोलानाथ मंडल वहां का भी है,
ये मैं हम लोग सब मुख्यमंत्री के थर्ड फ्लोर जिनको बोलते हैं उसमें जाके मुख्यमंत्री को गुहारी लगाए थे। मुख्यमंत्री भी उनके पारिषद वर्गों को लेके सुने थे हमारे बात। उसके बाद प्रक्रिया चालू हुआ था। उसके बाद 2023 का 22 का जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसमें दुर्गा त्रिपाठी नवरंगपुर और उमरकोट नवरंगपुर मलकनगिरी तीनों जगह में दल की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे और सबका आवेदन उनको सुनना पड़ा और उन्होंने भी वादा किए थे लोगों को कि हम जरूर मुख्यमंत्री को बोल के माननीय संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास जी को बोल के हम आपका ये काम करवा देंगे। आज वो काम हमारा हो गया है, कल आदेश आ चुका है, इसीलिए हम नवरंगपुर और मलकनगिरी में बसवासरत पूरे बंगाली समुदाय के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। যে গ্রামে আমাদের যারা পূর্বসূরী ছিলেন তারা তো অনেকেই চলে গেছেন, তাদের পথ ধরে এমনি করে সংগঠিত হতে হবে এবং যে ভালো করে তার জন্য কিন্তু কথা বলবে। ধন্যবাদ দাদা। আজ মুখ্যমন্ত্রী সম্বর্ধনা বাঙালিদের জন্য নয়, উমরকোটে বাঙালিদের জন্য নয়, আমরা তো উড়িষ্যার কাজ করবার জন্য আমাদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জেলা আমাদের দুর্গা ভাইয়ের কাছে দিয়েছি এবং আমাদের এই ডিমান্ডটি দেখবেন এই আমাদের যে আগামী যে শীতকালীন অধিবেশন আসছে ওনার সঙ্গে কথা বলে আপনারা দেখবেন ওই কথাটি কোশ্চেন আওয়ারে যে আপনাদের 40 বছর আগে সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়া হতো এখন তারা আমাদের এই ভিসা বা পাসপোর্ট পাচ্ছে না, ওই নাগরিক কার্ড দরকার, কে দেবে সেই নাগরিক কার্ড আপনি বলুন। এটা করা হবে, নিশ্চয় করে আপনারা অপেক্ষা করতে হবে। তাই বলি সবসময় বলি যে ওই গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথা তাই। মুখ্য অতিথি সঙ্গে আমাদের প্রিয় পূর্বতন জেলা পরিষদ এবং আমাদের তো আমাদের সাথে মজুদ এসে ধন্যবাদ যে সভা মে एमबी 7 नंबर गांव के विशिष्ट व्यक्ति अदर कुमार विश्वास जी, आइए उनसे पूछेंगे किस प्रकार जो मुख्यमंत्री को आप लोगों ने धन्यवाद जो ज्ञापन किया उसके साथ साथ क्या कारण था जो आज इस जो धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं अदर विश्वास। आज जो सभा हुआ है हमारे गाँव में एमबी 7 नंबर पे जो बंगाली समाज के लिए उड़ीसा सरकार का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी एक बहुत ही बड़ा मान्यता को स्वीकृति देते हुए कल रात को हमारे पास ये संवाद आया है कि अब से और ऑफिस में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बंगाली व्यक्ति अगर ऑफिस में कोई भी प्रमाण पत्र के लिए जाता है तो उनको सिर्फ अपना जमीन का पट्टा दिखाने से ही उनको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि रेसिडेंस या फिर तो कास्ट। इसीलिए पहले जो जाते थे लोग तो अपना फैमिली कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड बहुत कुछ शो करने के बाद एक इंक्वायरी भी बिठाते थे, उसके बाद जाके उनको मिलता था, जिसमें कि लगभग 2-3 महीना भी बीत जाता था। इसी बीच अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो कल जो संवाद आया है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे बंगाली समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा पदक्षेप को स्वीकृति देते हुए ऐसा बोला गया और दिखाया गया, लिखित आकार से अभी आया गया है कि कोई भी बंगाली व्यक्ति अभी ऑफिस में जाएंगे तो सिर्फ उनको पट्टा दिखाने से ही उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर रेसिडेंस, जैसे कि हमने ये जान पाया और उसी के आधारित आज ये प्रोग्राम हमारे 7 नंबर गांव में हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपनी तरफ से, अपने बंगाली समाज की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री। विश्वास, आपसे एक सवाल करता हूँ, तो ये जो श्रेय जिला की तरफ से किसको आप देना चाहते हैं, किसके प्रयास से, किसके प्रसार से ये संभव हुआ है? वैसे
हमारे साथ मौजूद है इस समय जो मालकानगिरी के जाने माने चेहरा तथा जो बीजू जनता दल के कार्यकारी सभापति दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, जिसके नाम जितना लो उतना ही कम है, क्योंकि जिला में हर जगह में उनका नाम छाया हुआ है। इनके अलावा कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है और कोई भी ऐसा बंगालियों के लिए हिताकांक्षी नहीं है जो कोई सेवा कर ले, कोई काम कर ले। तो आइए सीधा उनके पास पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मान्यवर जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को जो धन्यवाद अर्पण जो इस सभा की तरफ से किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो लोगों का माननीय मुख्यमंत्री को जो प्यार है, ये सभा के माध्यम से कर रहे हैं। ये एक सभा नहीं है, अभी ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50 या 60 सभा होगा। सब लोग सब एरिया में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बधाई देने के लिए प्रोग्राम का रखे हुए हैं। तो अभी इन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग अपने आप में मतलब भगवान के जैसे मान रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय को। और हर वक्त ये लोग कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री अच्छे से रहे और हमें अच्छे से सब प्यार करते रहे। बच्चे काफी परेशान थे पढ़ाई में, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कोई नौकरी वगैरह करने के लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट तथा बाशिंदा जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत से ऐसे जिला में बंगाली थे जिनके पास पट्टा तो है लेकिन जो फैमिली आईडी कार्ड नहीं थे। तो उसका जो फैमिली आईडेंटिटी कार्ड को आज जो बायकट करके जैसे तहसीलदार आरआई और एवं जो क्लार्क जो रेवेन्यू क्लार्क को निर्देश दिया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे लोगों का क्या है कि उन लोगों की उनकी पिताजी माताजी ऑफिस में दौड़ के वो स्टाइपेंड लेना, उनका पेंशन लेना, जो कुछ भी लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत रहता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत रहता है। बहुत साल पहले दिया हुआ था आइडेंटिटी कार्ड, अभी उसका पन्ना अगर उल्टा होगी तो फट जाता है या तो किसी का घर में आग लग के जला हुआ है। तो ये लोग बहुत परेशान थे। ये चीज राज्य संगठन के संपादक प्रणब प्रकाश दास जी समझ गए थे और उन्हीं के निर्देश से ही ये एप्लीकेशन गया हुआ था और उन्हीं के द्वारा ही ये काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय काम किए हुए हैं, धन्यवाद। ये सुने थे जो कार्यकारी जो श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी उनके जुबानी, तो किस प्रकार जो मालकानगिरी तथा नवरंगपुर जिला के कोई भी बंगाली जो है आज के डेट में कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए आइडेंटिटी कार्ड जो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड के लिए परेशान नहीं रहेगा, तो इनके तरफ से कहा गया कि उड़ीसा सरकार ने जो इनके जो ऑर्डर कर दिया, हर जो कलेक्टर तहसीलदार तथा जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जो उनके ऑर्डर पहुंच गया है, किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। अगर परेशान किया गया तो दुर्गा त्रिपाठी की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्डर पास करवाई है कई वर्षों के, तकरीबन 10 से 12 सालों के जो अंतराल में आज उसका अंत घटा और जो बंगालियों को काफी सहायता मिली है। और उड़ीसा मालकानगिरी जिला MB 7 नंबर जगन्नाथ पल्ली गाँव से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।